अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। टॉप 21 टर्किश स्ट्रीट फूड्स या टर्किश फूड्स, इसके बारे में हमारे पास एक वीडियो लिंक आया है, रिक्वेस्ट आई है, इसके ऊपर रिएक्शन हमारा देखना चाह रहे हैं तो ज़रूर देखते हैं कि हम तो वैसे ही टर्किश फूड के दीवाने हैं, हम तो वैसे ही टर्किश फूड देखते ही भूख लग जाती है। हाँ, और हर दफा हर वीडियो में कुछ नया देखने को मिलता है और बहुत मज़ा आता है मुझे। हाँ। तो क्या बताऊँ मैं, तो फौरन देखते हैं, इसको चलाते हैं। लेकिन चलाने से पहले जो लोग नए आए हैं, जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको रिएक्शन पसंद आए, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से खोल के आप उसको जाके हमें फॉलो करें और जो भी क्या बोल रहे हैं छोड़ दें, चल दोबारा बोलो। चले आए देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से फूड दिखाए गए। पति, ये क्या है? फ्लेवर्स ऑफ तुर्की। फ्लेवर्स ऑफ तुर्की, फ्लावर्स ऑफ दी। हाँ, ओह, टोमेटोज। ये वही जगह नहीं थी जहाँ से वो स्ट्रीट फूड बर्गर मिलता है बड़ा मशहूर, वो जो आंतों से बना होता है? So you see a lot of these street food vendors, and pub vendors, corn, goodless cement vendors. I'm outside the Blue Mosque right now, and I just purchased one of these little bready pretzel things, which is called cement. It costs like 1 lira, and it's just kind of like a nice snack that you can have when you're just roaming the streets and sightseeing. Hard and chewy, but it's got these nice roasted sesame seeds on it. I feel like I want to dip it in mustard or something. Oh. I bought pomegranate juice from this vendor in the back of me. I bought it for 5 lira, because that's like 2.5 $5. Anyways, buying them. कुछ नहीं मिक्स किया, direct वही आप, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ भी। हाँ. ये वही मसल डोलमा। ये वो सब ऑलिव्स हैं, रॉ ऑलिव्स। ये मार्केट तो हमने पहले भी देखी हुई है ना? नट्स एंड ग्रेन। हाँ, वो चीज देखी, उसके वो बना रहे हैं। ये वही है, सूखी हुई चीजें। हाँ, मिर्चें और सारी ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट्स, locust tree seed pods. ये क्या है? ये देखा, कुछ नई चीज हमें आज पता लगी। हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आ जाता है, हम लोग फिर पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है। हाँ, करोब। करोब फ्रॉम locust। locust tree क्या होता है? What is locust tree? Pods. बताइएगा। Seed pods. Seed pods. Carob. Carob. खरोब फ्रॉम लॉकस्ट ट्री सीड स्पॉट्स। ये खरोब, ये भी कुछ चीज है डिफरेंट। फ्रॉम लॉकस्ट ट्री सीड स्पॉट, ये भी बताइएगा। ये इनके बारे में बताइएगा क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। इट्स अ गुड स्नैक, विल लास्ट मी ऑन द बस राइड होम एज वेल एज इन बिटवीन हाइक्स। आई लाइक इट। ये वो उसके पत्ते अंगूर के, अंगूर इससे ये बनता है ना डोलमा।
This is like not pastry. Pastry. It's dripping right now. नाम क्या है? सिगारा. सिगारा. बोरेक. बोरेक. हम लोग सिंगाड़ा कहते हैं. नहीं वो सिंगाड़ा नहीं. मैं वैसे बात कर रहा हूँ वैसे मतलब वही ना. Bears hang on. Goat cheese inside. There's feta cheese in this. Goat cheese है. I was a little afraid there would be meat in it. Wow. Soup. Turkey sweets. हमारी हमारी तुर्की में एक दोस्त भी है नूरजान. अगर वो वीडियो देख रही है तो वो मुझे हमेशा वीडियोस बना बना के हमें भेजती है. भेजती है कि ये देखें मैं बस स्वीट्स की शॉप पे जा रही हूँ. कैसे गुजर रही हूँ. और जब भी वो स्पेशली के मार्केट जाती है तो मैं स्वीट्स की शॉप की ना वहाँ पर वो वीडियोस बना बना के भेज रही होती. तो हम लोग बहुत हंसती भी है. और वो हंसती है स्पेशली मुझ पे क्योंकि मेरा बहुत बहुत बुरा हाल हो जाता है. देखते आगे इसका कोई ओ यस ओह यस हाँ ये तो हमने खाया था. हाँ ये हमने ट्राई किया हुआ है और बकलावा बहुत मजेदार है. कुरु कुरु. हाँ ये कुरु वाला है. ये भी हमने लुकम भी हमने खाए हैं. बहुत मुझे तो बहुत मजे के लगे. मुझे भी लगे थे. हाँ लुकम. This is Turkish delight. It's gel like. It's chewy. Not sweet, sweet, sugary. You can down a few of these and not really notice that you're doing it. Halwa. कितना मजे का चॉकलेट जैसा है ना. ये डिफरेंट चीज दे है. मेरे समझ में उसके हाथ में चॉकलेट है. लेकिन वही बात है ना कि हलवे भी बहुत तरह के हैं और मजे के. ये देखें. Thick peanut butter tasting wafer. Turkish drinks. हाँ Turkish coffee. हाँ. Yes. We like Turkish coffee. हाँ. Turkish tea तो बहुत ही मजे की है. लेकिन मैं कुछ दिनों पहले Turkish coffee भी try की बनाने की और बहुत अच्छी बनी थी. और आम coffee जितनी भी दुनिया में पीते हैं उससे बहुत अच्छी बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी. Taste इसका बहुत अच्छा है. और ये आपको जो है ना वो भी नहीं करती है ज्यादा ना. जैसे ज्यादा कॉफी पीने से आपको घबराहट हो जाती है. यानी कि जो कॉफी नहीं पीते लोग. लेकिन ये बहुत मजे की है. मजे की. आप हल्की सी शुगर ऐड करें और बहुत ही मजे की. बहुत मजे की. छोटी सी वीडियो. बहुत ही छोटी सी वीडियो. हमेशा हमने बहुत सारी चीजें तो देखी हुई थी पहले से. कुछ तो हम लोग वैसे पहले हम लोग रिएक्शन भी कर चुके हैं. लेकिन हम लोग एक बात कहते हैं कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ खास और डिफरेंट नजर आ जाता है. इसमें भी हमने आपसे पूछा है सवाल हमें वो बताइएगा कि वो क्या सी पॉट्स के बारे में क्या चीज थी. तो हमेशा कुछ डिफरेंट है. खाना बहुत ही मजे का है और हमें पता है क्यों फिर सीरियसली ये बात है. बहुत ज़्यादा जो है हम लोग वीडियो जब करते हैं लेकिन हर दफ़ा हमें कुछ नई चीज़ पता लगती है. और यकीन सिर्फ उन्होंने अपनी हर चीज़ को संभाल के ऐसे रखा हुआ है. अपनी यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं है. ट्रेडिशनल चीज़ें हैं. कितने कितने सौ साल पुरानी चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं. और वही नाम है उन डिशेज का. स्पेसिफिक नाम हमने अर्तुरुल गाजी में बहुत सारी डिशेस देखी. हाँ. तो वही नाम चलता आ रहा है अभी तक. और सेम वही पकाने का भी स्टाइल है. हाँ. रखने का उसको प्रेजेंट करने का वही स्टाइल. प्रिजर्व भी वैसे किया जाता है. हाँ. यानी कि अमेजिंग. और हम हैरान रह जाते बिल्कुल. हैं. तो बहुत ही मजे का फूड है. बहुत मजे की वीडियो थी और बहुत ही छोटी सी वीडियो थी. थोड़ी सी और हमें दिखाते और मजा. हाँ. आता है इस वीडियो क्योंकि मजा आ रहा था वीडियो देखने का क्योंकि वीडियो बनी इस तरह. तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया. इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपने घरों में महफूज रहिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.